हेलो दोस्तों, सिटी स्क्वायर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर आधारित क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि इस प्रकार है और आप सभी ध्यान से इसे देखें। सबसे पहले ये देखें, सिटी स्क्वायर है और सिटी स्क्वायर दो भागों में पाया जाता है। पहला जो है हमारा, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, 30 60 90, जो कि ये वाला सिटी स्क्वायर है। ये 30 डिग्री को दिखाता है, 60 डिग्री दिखाता है, दोनों जहाँ मैच करते हैं 90 डिग्री हो जाता है। दूसरा जो हमारा होता है 45 डिग्री, ये होता है, ये भी 45 और ये दोनों मैच करते हैं 90 डिग्री। अब बात आती है कि ये जो सेट स्क्वायर होता है किस मटेरियल का बना होता है। तो सेट स्क्वायर प्लास्टिक अथवा सेलुलाइड का बना होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्लास्टिक अथवा सेलुलाइड, और यह ट्रांसपेरेंट भी होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि यह आर पार दिखाई देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो है सेट स्क्वायर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सेट स्क्वायर द्वारा ही, ठीक है, स्क्वायर की मदद से गुणज में लाइनें खींची जा सकती हैं। तो कितने डिग्री के जो है एंगल खींचे जा सकते हैं, 15 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45, डी 90। तो 15 डिग्री जो है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दो सेट स्क्वायरों को विभिन्न तरीके से रखकर हम अनेक कोण डिग्री बना सकते हैं और नाप सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 45 और 60 30 के सेट स्क्वायर में कौन सा एक कोण बनाता है। तो आप देख पा रहे हैं, थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ, पूछ रहा है कि जो ये वाला कोण है ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो हमारा दिख रहा है ये त्रिभुज, ये है 45 45 90, तो ये जो हमारा एंगल होगा 45 डिग्री हो जाएगा। और ये आप देख पा रहे हैं 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, और यहाँ पर 60 डिग्री, तो ये 60 हो गया। तो पूछ रहा है ये वाला भाग का कोण कितना होगा, तो 60 और 45 कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। और हम सभी को पता है कि 180 डिग्री होता है सरल कोण, जिसमें से 105 डिग्री अगर हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। तो हमारा जो ऑप्शन होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर देखिए डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 75 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम अपना आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि दो सेट स्क्वायर का समायोजन मतलब जोड़ करके अनेक कोण बनाए जा सकते हैं, कोण ए का मान कितना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम करते हैं और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए ये फिगर है, अब बड़े अच्छे से दिख पा रहा है कि देखिए ये 30 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर 45 45 और ये 90 का दिखाता है। तो हमें इस वाले भाग यानी ए कोण पूछ रहा है कि ये कितना होगा, ठीक है। तो देखिए 30 डिग्री 45 डिग्री जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। हमें पता है कि ये सरल कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है, तो 180 में अगर 75 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5, उसके बाद 0 1, कितना हो जाएगा, 105 डिग्री होगा। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शायद उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देख लीजिए फिर से एक बार, ये 30 डिग्री को दिखा रहा है, ये 45 डिग्री, तो दोनों को जोड़ देंगे 75, और ये जो हमारा कोण होता है सरल कोण 180 डिग्री का होता है, और 180 में अगर हम 75 घटाते हैं तो कितना होता है हमारा, 105 डिग्री, ठीक है, ओके।